सभी का दुर्लभ प्राणी संस्थान में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ठरकियों के बंदरगाह से तीन ऐसी वेब सीरीज लेकर आया हूं जो आपके सारे डीएक्टिवेट स्पैम को एक्टिवेट कर देगी। तो अपनी पैंट का नाड़ा थोड़ा टाइट कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपका भाई ये भी बता देगा कि इन सभी सीरीज को बेस्ट क्वालिटी के साथ फ्री में कैसे देखना है। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिए और मैं शुरू करता हूं आज का लॉकडाउन स्पेशल काउंटडाउन। नंबर तीन पे है ब्रिस्ट टेक्स। इसके नाम से आधी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि एक पुरानी प्रथा पर बनी सीरीज है जिसमें नीचे तबके की लड़कियों को अपने स्तन ढकने के लिए घर के मर्दों को टैक्स देना पड़ता था। और इसी सीरीज में बहुत ही सुंदर कन्याओं के दर्शन होंगे जो टैक्स के नाम पर देश शोषण का शिकार होती दिखाई देंगी। कंटेंट तो बहुत ही लुभाना है, पर कहानी थोड़ी इमोशनल होने की वजह से मैंने इसे तीन नंबर पर रखा है। नंबर दो पे है मेरी पड़ोसन। हर किसी के घर के पास कोई ना कोई ऐसी पड़ोसन जरूर होती है जिसे देख कर आपके अरमान हमेशा जगते रहते हैं। पर अगर कुछ ऐसा हो कि एक कच्ची के लिए आपके पड़ोस में आ जाए और वो भी वो सब करने के लिए तैयार हो जाए जो आपके दिमाग से ज्यादा आपके पेंट में चल रहा हो, बस ऐसे ही सीरीज में पड़ोसन के साथ संभोग की पूर्ण प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। नंबर एक पर है लवली मसाज पार्लर। ये एक बहुत ही वैसे वाली स्टोरी है जिसमें बॉडी मसाज के अलावा और भी बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ता है और उसके बाद एक दिन उसे किसी भूखे सांड के आगे डाल दिया जाता है जो उसकी इतनी मसाज करता है कि लड़की के सारे कलपुर्जे तक हिल जाते हैं। उसके बाद उसके साथ और क्या क्या होता है ये सब आपको इसे देखने पर ही पता चलेगा। तो आज का काउंटडाउन यहीं पर एंड करते हैं, पर जिनको भी ये सारी वेब सीरीज फ्री में देखनी है तो अभी दुर्लभ प्राणी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर इनके अलावा भी डेली 10 से ज्यादा वेब सीरीज अपलोड होती है। और ज्वाइन करने की सारी डिटेल मैंने कमेंट बॉक्स में दी हुई है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।